और बदायूं में चुनाव प्रचार के दौरान बदले शिवपाल यादव के तेवर। एसपी नेता शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं को वोट ना देने पर चेतावनी दी है शिवपाल ने। कहा कि वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा। तो इस तरह की बातें शिवपाल करते नजर आए। शिवपाल अब चुनाव प्रचार में कूद गए हैं, एसपी की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही है। एक तरह से शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे दी है कि वोट ना देने पर ये चेतावनी है, वोट दो नहीं तो फिर हिसाब किताब आपका किया जाएगा। देखिए सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सबका वोट मांगेंगे, हम तो सबका वोट मांगेंगे हैं, तो देगा देगा नहीं, अपने लोग तो ही इतने तो लाखों तो जीता नहीं, अपने तो ही हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने अपने सहयोगी दल एसबीएसपी के अरविंद राजभर से माफी मंगवाई। अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पक्ष में बयान दिया था, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता नाराज थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवा रहे हैं। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। बताया गया कि अरविंद राजभर ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उन पर आग बबूला थे। यूपी के मऊ की घोसी लोकसभा सीट एसबीएसपी के खाते में गई है, जहां से अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं और मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। घोसी सीट पर 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक बयान दिया था। उस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके बेटे अरविंद राजभर से नाराज हो गए। इतने नाराज कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ तो अरविंद राजभर का स्वागत करने के लिए कोई मंच पर नहीं पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वागत हुआ, मगर अरविंद राजभर के नाम की घोषणा होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। ये देखकर अरविंद राजभर भी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, मगर ब्रजेश पाठक मामले की गंभीरता भांप गए और उन्होंने अरविंद राजभर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से माफी मांगने को कहा। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बार बोलिए जय सीताराम। जय सीताराम। लेकिन अरविंद राजभर ने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी नहीं बल्कि चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं, तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की पूर्वांचल में तूती बोलती है, इसी वजह से नेता उसके खिलाफ खड़े होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते।